और जगह जगह जो है जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे डॉल्फिन बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये चार पांच गोल्डन कलर का डॉल्फिन बना दिए हैं। हे गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो आपको टैंक दिखाने वाले हैं वो नॉर्मल से काफी अलग है। तो आपको बता दें क्यों अलग है और कैसे अलग है। तो सबसे पहले आपको बता देते, एकदम बड़े साइज का है, 7 फीट साइज का। अब तक जो भी आप हमारे चैनल पे वीडियो देखे वो 6 फीट का मैक्सिमम टैंक था, लेकिन ये टैंक 7 फीट का है। और उस टैंक को अलग बनाने के लिए उस टैंक में जो वॉलपेपर का यूज किया गया वो नॉर्मल वॉलपेपर बिल्कुल भी नहीं है, वो 3D वॉलपेपर है और वो हैंडमेड वॉलपेपर है, उसे हाथों से बनाया गया। और गाइस, इस टैंक में 2 टॉप फिल्टर का यूज किया गया है और वो पावरफुल टॉप फिल्टर है, तो इस टैंक को नॉर्मल से काफी अलग टैंक बनाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट से आपको दिखाते आगे। तो सबसे पहले गाइस देखिए आप, टैंक कितना गंदा है, इस टैंक को पहले साफ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टैंक है ये गंदा काफ़ी समय से है, लगभग 2-3 महीने से है। और ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं जो पेंट किया हुआ है, ये 1 साल पहले किया गया था, वो भी खुद किए थे। तो फटाफट से देखिए, अब क्लीन कर चुके हैं एक्वेरियम को। अब इसके बाद जो है हमारा फिर से पेंटिंग का बारी है। तो पेंटिंग करने से पहले हमको ग्लास को कवर करना होगा, नहीं तो ग्लास में पेंट लग जाएगा। तो कवर करने के लिए पेपर का यूज़ कर रहे हैं, पेपर से अच्छे से ढक दे रहे हैं टेप लगा के, ताकि ग्लास पे ज़रा सा भी पेंट ना लगे और कोई भी जो है धुंधलापन, जैसे अगर पेंट लग जाएगा तो आप जानते हैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो क्लेरिटी रहने देने के लिए इसको पेपर लगाना बिल्कुल ज़रूरी था। तो फटाफट से पेपर लगाती हैं और पेंट देख लीजिए, पेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो टोटल 7 कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर 7 कलर का वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो टोटल रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले जो पेंट करेंगे वो वाइट का, क्योंकि वाइट जब पेंट करेंगे तो टोटल जो है पुराना वाला ढक जाएगा, उसके बाद जो कलर जो आएगा दूसरा जो करेंगे वो एकदम निखर के आएगा। तो फटाफट से ये सब करते हैं और आप वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट से पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो तो फाइनली गाइस, 3D पेंटिंग हो चुका है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है।
और जगह जगह जो है जहाँ पे स्पेस था वहां पे डॉल्फिन बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये 4-5 गोल्डन कलर का डॉल्फिन बना दिए हैं। तो बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस फटाफट से आप जो है टॉप फिल्टर लगाते हैं और फाइनल लुक जो है आपको कैप लगाने के बाद दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहिए क्या क्या इस एक्वेरियम में होने वाला है और कौन सा फिश जो है इसमें डला है। एक्वेरियम का फुल सेटअप हो चुका है जैसा कि हम आपको बताए थे। उस एक्वेरियम में जो है 3D वॉलपेपर लगाने वाले हैं और भी बहुत सारा काम था, तो पूरा रेडी हो चुका है। तो देखिए लुक कैसा आया है। तो गाइज आप एक्वेरियम का लुक देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो कॉमेंट जरूर करिएगा एक अच्छा सा। और वॉलपेपर का भी लुक देखिए। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा ये एक्वेरियम का लुक कैसा लगा। और आपको साइज बता देते हैं इस टैंक का। इस टैंक का जो साइज है वो लेंथ में 7 फीट है और हाइट जो है वो 15 इंच का है और ब्रेथ जो है वो 12 इंच का है। तो इतना लंबा एक्वेरियम है। इससे पहले जो है हमारा जो भी आप वीडियो देखे मात्र उसमें मैक्सिमम साइज 6 फीट का टैंक था, बट ये 7 फीट का है। और इसमें स्पेशल ये है कि इसमें 3D वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि आप देख ही चुके हैं। तो लुक कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए गाइस दो इसमें टॉप फिल्टर भी लगा दिए, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो अब इस एक्वेरियम में जो है सफाई का झंझट नहीं रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम एक्स्ट्रा लगाने का जरूरत नहीं है, हमेशा आप क्रिस्टल क्लियर है। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।